अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम सीखेंगे एरे स्ट्रक्चर में लूप और एरे स्ट्रक्चर में। तो गाइस कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है इस प्रोग्राम में, वो आज सीखेंगे। तो है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश, ये लाइब्रेरी है। उसके बाद हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हैश, ये मैंने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी ऐड करी है। क्या है कि स्ट्रक्चर में हम स्ट्रिंग की लाइब्रेरी ऐड करते हैं। उसके बाद कह रहा हूँ कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है हमारी, उसकी डिटेल लेनी है, उसका रोल नंबर और उसका नेम हमें प्रिंट आउट करवाना है। और लूप इसीलिए मैंने चलाया है, इसमें हमें 5 स्टूडेंट्स की क्या है कि डिटेल लेनी है, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट की डिटेल लेने के लिए मैंने लूप चलाया है ताकि आपको 5 स्टूडेंट की डिटेल मिल सके। तो इंट रोल नंबर मैंने डिक्लेयर किया ताकि इसका रोल नंबर पहले मालूम किया जाए। उसके बाद 4 नेम, 10 नेम मैंने लिखे हैं, हम 5 नेम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। 10 नेम मैंने एरे में दे दिए हैं। उसके बाद मैं ये स्ट्रक्चर का ये ब्लॉक बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं मेन फंक्शन चला रहा हूँ। मेन फंक्शन के बाद आपने बनाना है ब्लॉक। ब्लॉक बनाने के बाद आपने इंट स्टूडेंट std student, उसके बाद आपने क्या करना है कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट st5। अच्छा, ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि 10 में से हमने क्या करना है कि स्टूडेंट की जो एरे हमने बनाई है ये दूसरी, क्या है कि 5 स्टूडेंट के हमें रिकॉर्ड्स लेने हैं, 5 स्टूडेंट के हमें क्या लेनी है, इन्फॉर्मेशन, नेम और रोल नंबर। तो प्रिंट एफ एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट के ये रिकॉर्ड हमें मांगेगा। उसके बाद लूप चलाया मैंने, क्या है कि ये 5 स्टूडेंट का लूप इसलिए चलाया क्योंकि 5 स्टूडेंट के हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद ब्लॉक लूप का, लूप के बाद हमें प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, रोल नंबर पहले पूछेगा, फिर स्कैन एफ हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, रोल नंबर जो भी है हमारा, ठीक है, वो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कह रहा है कि प्रिंट एफ एंटर नेम, नेम हमें प्रिंट करवाना है, कि प्रिंट एफ हमने इसके लिए इसलिए लगाया कि ताकि ऊपर आए एंटर नेम, हमें पता चल सके कि नेम मांग रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि स्कैन एफ में हमें नेम इनपुट करना है फंक्शन में। उसके बाद इसका ब्लॉक कर देना है बंद लूप का। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रिंट एफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिस्ट जो हमने ऊपर इनपुट दिया वो हमारी प्रिंट हो, प्रिंट करवानी है। फॉर लूप चला है, स्टूडेंट इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, 5 पर 5 से लेस, और स्टूडेंट की इंक्रीमेंट यानी कि 5 स्टूडेंट के नेम 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, ठीक है, % n \n रोल नंबर, % d इंट की वजह से हमने रखा, इंट का स्पेसिफायर है। उसके बाद नेम % s हमने रखा के स्ट्रिंग प्रिंट हो, यानी कि नेम प्रिंट हो, नेम हमारी स्ट्रिंग में आती है। उसके बाद std की एरिया रखी है मैंने, क्योंकि हमने प्रिंट वो करवाना है। उसके बाद डॉट रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर हमने प्रिंट करवाना है। ये स्ट्रक्चर का आपका, ये स्ट्रक्चर में हमारी कंडीशन यूज होती है कि जो भी हमारी एरे हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम डॉट लगाकर रोल नंबर या डॉट लगाकर नेम रखते हैं। उसके बाद std नेम हमने रखा, ठीक है गाइस। तो ये हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो गाइज ये आपका रन हो रहा है। ट्राई एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड, पहले हम 12 रोल नंबर देते हैं, उसका नाम हमने लिखना है, अली लिख देते हैं, ठीक है गाइज। तो फिर दूसरा रोल नंबर पूछ रहा है, 23 रख देते हैं, अहमद, ठीक है गाइज, तो अहमद। उसके बाद 24 आपने रखा, उसका भी नेम आप लिख दें, हुसैन लिखते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि रोल नंबर फिर देना है 25, ठीक है, उसके आप रख दें इमरान, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एक रोल नंबर देना है, 5 नंबर रोल नंबर, तो आपने यहाँ पर ब्रॉक लिख दिया, ठीक है गाइज। तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिस्ट दे रहा है, रोल नंबर 12 नेम अली, रोल नंबर 23 नेम अहमद, रोल नंबर 24 नेम हुसैन, रोल नंबर 25 नेम इमरान, रोल नंबर 27 ब्रॉक। तो गाइज ये था आपका एरे में लूप और स्ट्रक्चर में लूप और एरे, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं या उसमें कैसे हम का फंक्शन वगैरह बनाएंगे, ठीक है गाइज। तो हम ये इसको टर्मिनेट कर देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। टर्मिनेट पहले स्टार लगता है, ये पहले स्टार मैंने लगा दिया, ठीक है गाइज। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर का पहले क्लास चला चुका हूँ, उसमें एग्जांपल थोड़े मैंने कम दिए हैं। तो गाइस मैंने कहा कि आपको एग्जांपल भी दे दूँ और ये दूसरे टॉपिक्स भी समझा दूँ, इसकी थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे। नेस्टेड स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर। तो गाइस स्ट्रक्चर एड्रेस, पहले हमने एड्रेस एक क्लास रखा, ठीक है गाइस। उसके बाद हम 4 में सिटी रख रहे हैं, ठीक है।
सिटी में हम 20 सिटीज मतलब एरे बनाते हैं 20 सिटीज का। उसके बाद इंट पिन, पिन कोड जो होता है सिटी का वो मैंने मतलब रखा है इंट में, डिक्लेयर किया है वेरिएबल। फिर चार फोन नंबर, फोन नंबर हम किसी भी बंदे का करंट करवा सकते हैं, उस लिए मैंने फ़ोन नंबर भी रखा है। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट, दूसरा स्ट्रक्ट मैंने बनाया, मतलब कि स्टूडेंट जो क्लास है हमारा, स्टूडेंट क्लास है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ रहा है, पब्लिक में आ रहा है कि नेम उसका प्रिंट करवाना है। 20 नेम्स हमारे पास हैं, हम कोई भी एक प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्ट एड्रेस, एड्रेस हमने उसकी प्रिंट करवानी है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद वाइड मेन, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट एस टी डी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रखना है प्रिंट एफ, इंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क लगानी है, यानी कि हम इन्फॉर्मेशन सारी लिखेंगे फिर ये प्रिंट करवाएगा। प्रिंट एफ, इसके नेफ में सारी ये इन्फॉर्मेशन इसकी हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे नेम, फिर लिखेंगे सिटी, फिर लिखेंगे कोड सिटी का, फिर लिखेंगे फ़ोन नंबर। उसके बाद हम प्रिंट में कराएंगे प्रिंटिंग द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ये प्रिंट करेगा नीचे वाली लाइन पर। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट एफ नेम, नेम हम सिटी का नेम, फिर पिन कोड, फिर फ़ोन, पहले नेम स्टूडेंट का, फिर पिन कोड, फिर सिटी नेम, फिर पिन कोड, फिर फ़ोन, फिर आप ये फार्मूला लगा देंगे जो स्ट्रक्चर में डॉट वाला फार्मूला होता है। तो गाइज ये हम रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये गाइज आपका रन हो चुका है। इंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ब्रॉक, ठीक है, सिटी लाड़काना, लाड़काना के बाद पिन मांग रहा है 77150, पिन कोड सिटी का। उसके बाद मांग रहा है नंबर 03033678667। तो गाइज ये देखें आप, ये प्रिंटिंग द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, नेम बुराक, सिटी लाड़काना, पिन कोड ये, और फ़ोन नंबर ये। तो ये थे आपके एग्जांपल। अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरी ईमेल आउटो और विंडो के इंट्रो में विंडो के वीडियो के दी गई है, तो वहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ईमेल के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा टॉपिक दे दूंगा, ये वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।